हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज मेरे पास इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहली न्यूज आ रही है स्काउट को लेकर। तो स्काउट ने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला और पूछा जनता से कि आप लोग बताओ कि मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए कहां पे जाऊं इंडिया के अंदर। तो गाइज, आप लोगों कोई भी अगर सजेशन देना हो स्काउट को, तो आप उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर कमेंट कर सकते हो। और स्काउट का नेक्स्ट व्लॉग अपन को इंडिया के अंदर ही कहीं मिलने वाला है। अपनी अगली न्यूज है एंकोर को लेकर। तो एंकोर ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनकी तरफ से कुछ एक अनाउंसमेंट आने वाली है बहुत ही जल्द। जैसे ही गेम आ जाएगा पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन, उसके बाद वो अनाउंसमेंट कर देंगे। अपनी अगली न्यूज़ है फनेटिक को लेके। तो गाइस, फनेटिक के सीएसगो प्लेयर क्रिम्स को बैन कर दिया गया है क्योंकि वो चीट यूज कर रहे थे। अपनी अगली न्यूज़ है थक को लेके। तो गाइस, थक इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि 8-bit का क्या लाइनअप होगा। तो आपको पता ही है कि 8-bit डिसबैंड हो चुका है, तो उन्होंने बोला 8-bit का कोई लाइनअप नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे 12 का लाइनअप क्या होगा। अब ऐसे 12 का यानी कि आप सभी को पता ही है कि 8-bit अगर डिसबैंड हुए तो सबको ये लग रहा है कि सोल और 8-bit मिक्स हो जाएगी, तो एसिड 12 हो जाएगा। सोल का लाइनअप चेंज होकर वो एसिड 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थक ने बोला कोई भी एसिड 12 नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही लाइनअप होगा जो कि होगा सोल का लाइनअप। और गाइस, थग ने इनडायरेक्ट वे में ये बोला कि उन्होंने 8-bit लाइनअप डिसबैंड इसलिए किए कि एक जगह धड़कन होनी चाहिए, यानी कि गाइस सोल, यानी कि ऐसा हो सकता है जो 8-bit के जो प्लेयर्स हैं अक्षु और एक प्लेयर और कोई, वो सोल ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस, थग ने इनडायरेक्ट वे में तो ये बोला है कि जो 8-bit के जो मेंबर्स थे वो सोल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, लेट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पबजी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज मैं अपने चैनल पर लाता रहूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी अगली न्यूज़ स्काउट की न्यू टीम को लेके। तो गाइस, स्काउट ने बोला कि जो उनका ग्राइंड है वो चलता रहेगा, और उन्होंने ये बोला कि वो कौन सा टूर्नामेंट खेलेंगे उनको ये नहीं पता, मगर ग्राइंड तो चलता रहेगा। अगर गाइस स्काउट ग्राइंड कर रहे हैं यानी कि वो कॉम्पिटिटिव में कमबैक जरूर करेंगे, वो कॉम्पिटिटिव में कमबैक करेंगे यानी कि वो किसी ना किसी टीम में तो रहने वाले हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक 420 की क्लिप दिखाना चाहता हूं, तो आप पहले वो क्लिप देख लीजिए। शॉक मिलने वाला है, तारों हिंट दे रहा हूं, आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है भाई, ठीक है, एंड आई वुड से मेरा भी फेवरेट है कंटेंट क्रिएटर। एक और हिंट देता हूं आप लोगों को छोटा सा, कि हमारा जो फिफ्थ प्लेयर होगा वो एक ऑलराउंडर है, अगर वो मतलब आता है टीम में तो उसका सबका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है भाई। सबका फेवरेट कौन है, मतलब सबका, जिसको सबको पसंद है, आप गेस कर लो, मैं तो भाई इतना ही बता सकता था, वरना जो भी है वो मेरी दही तोड़ देगा पकड़ के। तो गाइस, 420 की क्लिप देखने के बाद आप सभी को पता लग ही गया होगा कि जो स्काउट है वो एज अ फिफ्थ प्लेयर ज्वाइन कर सकते हैं टीम एक्स को। गाइस, मेरे को तो ये लग रहा है कि जो स्काउट है वो टीम एक्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्काउट ने भी बोला है और 420 ने भी कंफर्म किया कि न्यू प्लेयर आने वाला है। तो गाइस, आप सभी को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अपनी अगली न्यूज़ है गाइस घातक को लेके। तो गाइस, घातक ने ट्विटर पे कुछ ये ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी कुछ पुरानी सोच है ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को लेके, और पता नहीं क्यों गेमिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर अपन अदर कंट्रीज की बात करें तो सारी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया गेमिंग को एज अ स्पोर्ट में, और ये लिखा इन द एंड कि पता नहीं यहाँ पे कब ऐसा होगा। तो गाइज, आप सभी का क्या मानना है इसके ऊपर कि इंडियन गवर्नमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देती ई स्पोर्ट्स सीन को इन इंडिया। तो जो भी आप सभी को लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपनी अगली न्यूज़ है गाइस फनेटिक इंडिया को लेके। तो गाइस, फनेटिक इंडिया ने बताया है कि वो न्यू फिफ्थ प्लेयर फनेटिक टीम के वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं फिफ्थ प्लेयर को। तो गाइस, देखते हैं कि फिफ्थ प्लेयर कौन सा होने वाला है फनेटिक के अंदर। उवेश, एश, मैक्स कैश, परितोष तो पहले से ही टीम के अंदर है, और देखते हैं फिफ्थ प्लेयर कौन होता है। आप सभी को क्या लगता है कि फिफ्थ प्लेयर कौन होने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में। उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।